नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स को लेकर, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट, जहां आप सभी जानते हैं कि कई सारे ऐसे घरों में कुछ बच्चे हैं जो सपना देखते हैं कि आगे जाकर मैं एक बेहतर भविष्य की कामना करूँगा, और वैसे में वो कुछ ना कुछ अलग प्रोफेशन को लेकर चयनित करते हैं। लेकिन खेल कूद में जो प्रतिभा होती है वो कम लोगों में होती है, और एक अलग तरीके से उसे उच्च स्तरीय पर पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और हर बच्चा घर में रहकर कोशिश करता है कि वो अपने बेहतर फ्यूचर को किस तरीके से बना पाए। उसी चीज़ों में कई सारे विकल्प आप सभी को मिलते हैं। एक विकल्प मिलता है खेलकूद में, जहां पर खेलकूद में भी बहुत सारे जरिया है जिस जगह पर आप एक अच्छा प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में सामने आते हैं। लेकिन उन प्रतिभाशाली के पीछे की क्या संघर्ष होती है, क्या कुछ उनका प्रैक्टिस होता है, क्या कुछ उनका दिनचर्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हम ये न्यूज़ जो हम आप सभी को दिखा रहे हैं, ये खबर जो हम आप सभी को दिखा रहे हैं, ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग भी स्पोर्ट्स में, खेल में अपना एक सपना देख रहे हैं, एक ड्रीम बना रहे हैं, उनके लिए है। और आज हम पहुँचे हैं सिलीगुड़ी करीब शिव मंदिर के न्यूरंगिया में अल्फा क्रिकेट एकेडमी में, और यहाँ पर हम आपको एक कोच से मिलाएंगे और बताएंगे कि अल्फा क्रिकेट एकेडमी किस तरीके से बच्चों को प्रतिभाशाली कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, और यहाँ पे जो क्रिकेट एकेडमी है वो किस तरीके से चला जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मिलाना चाहेंगे यहाँ के जो कोच है, आप जैसे कि हमारे सामने देख रहे हैं एक बैनर है अल्फा क्रिकेट एकेडमी, और अल्फा क्रिकेट एकेडमी किस तरीके से बच्चों को जो है ट्रेंड कर रही है, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम कोच बुलाते हैं। सर, स्वागत है आपका खबर आजकल में। धन्यवाद सर। अल्फा क्रिकेट एकेडमी में आप जुड़े हैं, कुछ हम जानना चाहेंगे अल्फा एकेडमी जो है उसके बारे में। अल्फा क्रिकेट एकेडमी ये मोस्टली है सारा क्रिकेट लवर्स के लिए, जो लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करना चाहता है, आगे जाके क्रिकेट में कुछ करना चाहता है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है, उसके लिए हम लोग सोचा कि एक एकेडमी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है।
एंड हम लोग ने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा फैसिलिटीज दे पाए। हम लोग के पास फुल फ्लेजेड ग्राउंड्स वगैरह है, हम लोग पास दो फुल फ्लेजेड ग्राउंड है, इवन हम लोग अपना मैचेस करवाते हैं। सो इट्स अ प्लेस जहाँ पर यंगस्टर्स जो लोग क्रिकेट खेलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो लोग आके प्रैक्टिस करें। जी, तो जैसे कि हम आपके द्वारा दी गई एक वीडियो जो कि पुरानी वीडियो है, उस वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को बहुत तरीके से, बहुत आधुनिक तरीके से आप लोग क्रिकेट सिखा रहे हैं। क्या कुछ इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास है, क्या कुछ विजन्स लेके आप चलाते हैं? विजन ये है कि जो चेंज हो रहा है डेली, आप अगर देखेंगे क्रिकेट आज से 10 साल पहले जो था आज वो नहीं रहा जी। तो ये जो चेंज हो रहा है उस चेंज के थ्रू हम लोग भी चेंज के थ्रू जाए और बच्चों को नया से नया चीज़ें सिखा पाए, नया से नया चीज़ें दे पाए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग का यहाँ पर हम लोग एक बॉलिंग मशीन यूज़ करते हैं विच इज़ नॉन इलेक्ट्रॉनिक, उसको आप फील्ड में कहीं भी मूव करिए जी, उससे आप प्रैक्टिस करिए। आप सपोज एक बॉलर बॉल करता है जी, जो कि 125-130 फेंक रहा है, इट विल बी अ स्ट्रेन कि वो लगातार वैसा बॉल करते रहे। बट एक बॉलिंग मशीन हो तो आप लगातार वैसे 5 बैट्समैन 6 बैट्समैन आप उसको लगातार प्रैक्टिस करा सकते हैं जी। तो ये एक चेंज है। हम लोग डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ करने का सोचते हैं, डिफरेंट ड्रिल्स कराने का सोचते हैं, जो कि अभी आई डोंट नो अदर एकेडमीज में यहाँ पर होता है कि नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना नया से नया चीज़ें हम बच्चे को दे पाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग का डाइट तक हम लोग पहुँचे कि वो लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उन लोग को एक रूटीन दे जो रूटीन मेंटेन करके वो लोग का फिजिक अच्छा हो सके। एंड क्रिकेट, सब कोई क्रिकेट खेलने आ रहा है, देयर विल बी फ्यू प्लेयर्स जो लोग आगे जाके अच्छा अच्छा लेवल्स खेलेंगे, लेकिन सबका फिजिक अच्छा होना चाहिए, सबका पर्सनालिटी बेटर होना चाहिए, तो वो हम लोग का कोशिश रहता है सर। सर, एज अ कोच की अगर हम बात करें तो क्या कुछ फ्यूचर आपको नज़र आता है क्रिकेट में? ऐसे तो क्रिकेट बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा जरिया है एक बेहतरीन करियर शुरुआत करने की। एज अ कोच हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से लोग इसको अपना फ्यूचर करियर सोच सकते हैं? अ लॉट ऑफ वेज, मतलब क्रिकेट ऐसा एक पॉपुलर गेम है जो इंडिया में हर एक पार्ट में खेला जाता है। आप छोटा से छोटा गांव जाइए वहाँ पर भी क्रिकेट खेला जाता है। सो आप अगर क्रिकेट लेके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं या क्रिकेट लेके सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्रिकेट लेके कुछ करेंगे, इन दैट केस इट्स जस्ट दैट आपको अच्छा खेलना है, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज रखना है, एंड आपका पास वो रहेगा तो अभी बहुत स्कोप है ट्रेनर्स के लिए, कोचिंग के लिए। इनफैक्ट मेरा एक कंपनी है कॉल्ड क्राफ्ट स्किल्स, जो लोग स्कूल्स में ट्रेनिंग कराते हैं अलग अलग जगह में, तो वो कंपनी का भी जो कोचेस वगैरह हम लोग को हमेशा चाहिए होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टेज है, लोग क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं लेकिन प्रॉपर कोच बहुत कम जगह मिलता है। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत फ्यूचर है, एंड स्पेशली क्रिकेट इस तरीके का एक गेम है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का कमी एकदम नहीं है जी। तो जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स है उन बच्चों का, किस तरह से वो तैयार हो रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि आगे जाके उन्हें एक सक्सेस मिलेगी? सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत है। ये जस्ट क्या होता है क्रिकेट में, जैसे पढ़ाई में आप देखते हैं कोई बच्चा क्लास 1 में है, 1 साल पढ़ा तो 2 में होगा, 2 में है फिर 3 में होगा। क्रिकेट ऐसा नहीं है, क्रिकेट में उन लोग का सक्सेस मिलता है जो लोग लगातार लगे रहते हैं। क्रिकेट में ऐसा है कि आप 5 साल तक लगातार रहो, रन्स बनाओ, विकेट्स लो, उसके बाद आपको ऐसा प्रमोशन मिलेगा कि यू आर स्ट्रेट अवे टू क्लास 10, उस लेवल पे पहुंचेगा। तो 2-4 साल खेलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, फिर स्टेट खेलेगा। तो बच्चे लोग जहाँ यहाँ पर आते हैं उन लोग का मेंटालिटी ऐसा होता है कि वो लोग इन्जॉय करने आते हैं, जो छोटे बच्चे आते हैं, फिर स्लोली उन लोग को मोटिवेट करना पड़ता है, उन लोग को स्लोली वो लोग समझते हैं कि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, फिर उन लोग अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेते हैं। और सीनियर्स बच्चे जो आते हैं वो जनरली हम लोग को, मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि हम लोग को ज़्यादातर बहुत डिसिप्लिन बच्चे मिलते हैं, जो लोग को कुछ टास्क दो वो घर जाके टास्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एंड विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड वो लोग ने बहुत डेवलप किया है। सर, सीखने की तो ऐसे कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कौन सा समय होता है जब बच्चों को, अगर वो क्रिकेट रिलेटेड अगर करियर शुरुआत करना चाहें, तो सबसे अच्छा समय उनका उम्र कौन सा होता है? ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा सर। फॉर एग्जांपल आप अगर एक छोटा सा पेड़ है उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं उठा के, वो जिंदा रहेगा। वही पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको उठा के कहीं लगाना पॉसिबल नहीं होता जी। तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जब एक छोटा बच्चा प्रैक्टिस करने आता है, लेट्स से 7 इयर्स 8 इयर्स के बाद, मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए? हम लोग का एकेडमी में मैंने मिनिमम एज लिमिट 6 इयर्स रखा है, 6 इयर्स के बाद ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे थोड़ा रनिंग वगैरह कर पाते हैं ठीक से।
लेकिन 8, 9 years, 10 years दिस इज द बेस्ट टाइम। मतलब वहां पर क्या होता है कि आप उनको दो चीज बताओ एंड बहुत इजीली वो लोग ग्रैप करते हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि हम लोग का यहाँ का पेरेंट्स का ना एक मेंटालिटी है कि वो लोग ज्यादातर आफ्टर 13 years, 14 years जब टीन एज में आ जाते हैं तब अलाउ करते हैं। बट दैट इज ऑल्सो अ गुड एज, वन हैज टू बी वेरी स्पोर्टी। वो लोग अगर बहुत स्पोर्टी है, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट एज। बट द बेस्ट एज मैं बोलूंगा 8, 9, 10 years, ये बहुत अच्छा साल उम्र होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, वो शुरुआत अच्छी होती है बहुत ज्यादा सर। और कहीं ना कहीं एक तरह से सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा रहती है, ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे का जो चीज हम लोग सिखाते हैं वो नेचुरल बन जाता है जी, वो अननेचुरल नहीं होता, तो उसमें उनको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलता है। बात करें अल्फा क्रिकेट एकेडमी की, तो ये कहाँ पर है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे आपके द्वारा या अल्फा एकेडमी के द्वारा जो है बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है? अल्फा क्रिकेट एकेडमी ये शिव मंदिर के थोड़ा अंदर है, इट्स कॉल्ड न्यू रंगिया। तो जस्ट बिकॉज थोड़ा अंदर है, हम लोग फ्री बस सर्विसेज देते हैं जहाँ से बच्चे शिव मंदिर से अल्फा एकेडमी तक फ्री में आएंगे और बस फिर आफ्टर प्रैक्टिस उन लोग को शिव मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे, यानी पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटी, पिकअप ड्रॉप का फैसिलिटीज हम लोग दिए हैं। और ये अंदर थोड़ा अंदर होने का कारण ये है क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज है, हम लोग के पास ग्राउंड्स है जहाँ पर हम लोग मैच खिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैच प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस ये बोला जाता है और हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जब भी देखते हैं कि कोई बच्चा थोड़ा अच्छा खेल रहा है उन लोग को यहाँ पर मैच खिलाते हैं और देखते हैं कि रन्स बनाने का या विकेट्स लेने का या मैच खेलने में मैच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको कितना आता है जी, तो उस पर भी हम लोग बहुत फोकस करते हैं एंड वैसे हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं एंड सिंह शिव मंदिर जी। यहाँ पे जो बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद क्या उनका फ्यूचर में क्या कुछ आप लोग प्रोवाइड करते हो? जो लोग ट्रेनिंग लेता है फर्स्ट थिंग है हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ मैच खिलाएं, जब यहाँ पर वो लोग बहुत अच्छा करते हैं तब हम लोग का नेक्स्ट होता है कि ये बच्चा रन करने लगा है या विकेट्स लेने लगा है या अच्छा कीपिंग कर रहा है तो फिर उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स खिलाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब अच्छा करता है तब हम लोग स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स खिलाते हैं एंड दैट वे हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका नाम जितना आगे तक जाए, अगर CAB तक जा पाए तो सबसे बेस्ट है, वहाँ पर वो बंगाल के अंडर में खेल पाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना आगे तक उसका नाम लेके जा पाए, उस चीज का हम लोग का कोशिश रहता है। स्कूल की तरफ से जो एकेडमी है उसके तरफ से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ? ऑफ कोर्स हम लोग का यहाँ पर जो प्रैक्टिस हो रहा है वो फिटनेस कर रहा है उसका हम लोग सर्टिफिकेशन करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ कंप्लीट ऑथराइज्ड वे से प्रैक्टिस करवाते हैं, उसका डेफिनेटली सर्टिफिकेशन होता है। इवन कि हम लोग जो मैचेस करवाते हैं उन लोग का अप्रिशिएट करने के लिए उस सर्टिफिकेशन होता है उसका भी, वो हर एक मैच में मैन ऑफ द मैचेस वगैरह होता है, हम लोग लोकल टूर्नामेंट्स करवाते हैं। सो ओवरऑल यही है कंसेप्ट कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी वो अपना टैलेंट को दिखा पाएंगे। एंड लकीली अभी तक जितना हम लोग देख रहे हैं काफी प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड वी आर होपिंग कि वो लोग जल्दी से जल्दी अच्छा अच्छा जगह खेलें। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपके द्वारा प्रशिक्षित और आपके अल्फा क्रिकेट एकेडमी के द्वारा जो प्रशिक्षण ले रहे हैं आने वाले फ्यूचर में हमारे सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे और खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से बनता है, इसी जगह से बनता है और आने वाले समय में एक प्रतिभा के रूप में निखर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है, हमारे सिलीगुड़ी में कुछ दिन पहले भी आपको एग्जाम्पल मिला और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सिलीगुड़ी से खासकर हमारे शहर से कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स पूरे वर्ल्ड में आए जिससे हम और हमारा पूरा समाज गर्वित हो। और हम शुभकामना देंगे कि आपका एकेडमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता रहे, आपके यहाँ के बच्चे बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़े कारनामा करके सामने आए। तो हमारे साथ जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस है, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या प्रोसेस है आपके एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए, क्या खर्चे हैं, क्या कुछ? सर हम लोग का साइट है कॉल्ड cricketalpha.com, तो वो लोग साइट में जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग का कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। सो उन लोग को हम लोग को कॉन्टैक्ट करना है, हम लोग का ऑफिस है फांसीदेवा मोड़ पे। सो इन केस अगर पेरेंट्स लोग आना चाहते हैं उन लोग को एकेडमी तक नहीं आने से भी होगा, वो लोग फांसीदेवा मोड़ ऑफिस में आ सकते हैं एंड वहाँ से फॉर्म लेंगे एंड इट्स जस्ट 1000 rupees एडमिशन चार्जेस। हम लोग ने इसको बहुत नॉमिनल रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग इस चीज का फैसिलिटी का बेनिफिट उठाए। एंड हम लोग का मंथली चार्जेस है 700 rupees पर मंथ एंड दैट्स इट। हम लोग का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगते एंड दिस इज ऑल वी डू। एंड हम लोग का प्रैक्टिस होता है 2 days a week और उसके बाद सैटरडे संडे प्रैक्टिस होता है एंड जब सीजन टाइम होता है तब हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं। जो लोग मैचेस वगैरह खेल रहे हैं जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन लोग को बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े। तो आपने देखा क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, खेल में क्रिकेट के चाहते हैं और चाहते हैं कि क्रिकेट में अपना भविष्य एक अलग रूप में स्थापित कर पाएँ,
तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प हमने आप सभी को दिखाया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी के साथ मैं आप सभी का खबर आजकल से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप में से जो भी पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड हैं, उन्हें लगता है कि वो अपना भविष्य इस खेल यानी क्रिकेट के तरफ से बना सके, क्रिकेट का प्लेटफॉर्म यूज़ करके बना सके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी उन्हें संपर्क करेंगे और बेहतर फ्यूचर के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं अमर साहब सभी से इजाज़त चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार हमारे साथ इस तरह बने रहेंगे। धन्यवाद।